नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आइटम के बाद आइटम गुरु क्यों आता है, एमसी नेम। पता है एमसी नेम क्या होता है या मटेरियल नेम क्या होता है? जब भी आप कभी सेल करते हो या परचेज करते हो तो वो आपसे एक एमसी नेम पूछता है ना। वो एमसी नेम क्यों पूछता है? वो इसलिए पूछता है कि आपको इस गुड्स को कहाँ पर रखना है। जहां भी रखना है आप यहाँ बताते हो कि मेरे गुड्स की मूवमेंट मेन स्टोर पे हो रही है। जहां भी आपको करनी है आप इस तरीके से यहाँ से कर सकते हैं, स्टोर पे करिए। आप अगर नया ग्रुप बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आके एक एमसी नेम बना सकते हैं, जैसे फर्स्ट फ्लोर, पार्ट ऑफ द गोडाउन है, स्टोरेज, जो भी डालिए या सेव कीजिए। सेकंड फ्लोर, ठीक है, जो बनाइए डालिए। जब आप एंट्री करेंगे या परचेज करें सेल करेंगे तो बिजी आपसे फर्स्ट टाइम पूछेगा, एंटर मारोगे तो यहाँ मैसेज आएगा सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तो ग्रुप बनाने के लिए इसलिए यूज किया जाता है। जब आप बिजी में अंदर, आपको मल्टी गोडाउन सिखाऊंगा, देन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की आएगी। एंड नेक्स्ट टॉपिक आता है मटेरियल सेंटर ग्रुप। मटेरियल सेंटर ग्रुप क्या होता है? मटेरियल सेंटर ग्रुप ये ग्रुप होता है, जब आप इसके अंदर कोई ग्रुप बनाते हैं तो यहाँ पूछता है ना आपसे तीन गोडाउन, गोडाउन, प्रोडक्शन फ्लोर एंड स्टोर, आपसे ये तीन चीजें पूछता, पुट अप करता है। अगर हमको इन तीनों से ज्यादा कोई एक और अपना फ्लोर बनाना है देन आप यहाँ भी F3 करके बनाएंगे। ये जो यहाँ से F3 करेंगे रियल में वो एक जगह जाके रिफ्लेक्शन करेगा, वो इस जगह आएगा। बात वही, आप वहां से कर लीजिए या यहाँ से कर लीजिए, कॉमन चीजें, तो आप यहाँ से भी ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। अब आता है यूनिट। यूनिट क्या होती है? यूनिट जानते हो गया आप लोग, किसी को बताने की जरूरत है यूनिट? यूनिट जानते हैं आप लोग क्या होती है? सिंपल, जिस प्रोडक्ट की सेल होती यस है। अब यूनिट में पहले कुछ भी यूनिट में प्रॉब्लम नहीं थी, बट गवर्नमेंट ने अब क्राइटेरिया निकाल दिया कि अगर आप पैकेट की बात करोगे तो आपका बन जाएगा रोल/रोल्स, पीस की बात करोगे, यूनिट की बात करोगे, डजन की बात करोगे, पीसेस की बात करोगे तो बन जाएगा पीस/पीस। ये जीएसटी के अंदर याद रखना, वैसे नॉर्मल के अंदर तो कुछ भी नहीं है, आप जैसा करते हैं वैसा कर सकते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो टॉपिक का नाम है यूनिट कन्वर्जन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छा टॉपिक है, आप डिस्कस कर लीजिए। जैसे कन्वर्जन का मतलब होता है फैक्टर टाइप के, या फैक्टर ही रियल में बोल सकते हैं, कि दर्जन इज इक्वल टू 12 पीस, एंड केजी इज इक्वल टू ग्राम 1000, एंड टन इज 10,000 टन इक्वल टू 1 टन। अब कभी भी मेरे ऑफिस में क्या है, जैसे मैं आया, मैंने परचेस करी, मैं परचेस करता हूँ केजी में और बेचता हूँ से उस ग्राम में, या मैं कैश में ने परचेस करी कोई आइटम, आपके सामने परचेस कर रहा हूँ F3 से, मैंने परचेस करी शर्ट, सिलेक्ट नैरो एंड सिलेक्ट 741, ग्रुप में मैंने इसका फैब्रिक डाल दिया और यूनिट पीस ले लिया। सेलिंग प्राइस इसका 110 था और परचेसिंग प्राइस 10 था, और F2 करके सेव कर दिया, 100 पीस परचेस करी। बट परचेस करते वक्त मैंने इसको दर्जन बोल दिया कि यूनिट है, मैंने दर्जन बोल दिया इसको, जो मेरी यूनिट है वो दर्जन है, मतलब एक दर्जन इज इक्वल टू 12 पीस। मैंने इसको F9, इस आइटम के नेम को डालूंगा तो 50% ले लेगा, कितना मैंने पैकिंग चार्ज लिखा और डाल दिया 50, पैकिंग चार्ज में 50, अभी 0 रखा है पैकिंग चार्ज, यहाँ मैंने 50 कर दिया। और F2 देखो पैकिंग लिखा, अच्छा नीचे वाला बनाया था हमने पैकिंग, वो दूसरा था, पैकिंग लिखा देखो आ गया 50। तो आप इस तरीके से कुछ चीजों को डिफॉल्ट भी कर सकते हैं, डिफॉल्ट इन द सेंस कि आप उसको फिक्स कर देना, जब भी आप मैं उस अकाउंट को यूज करूंगा तो वो जो वैल्यू मैंने फिक्स की थी वो वैल्यू मुझे रिफ्लेक्ट होने लगेगी। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है इफेक्ट द कॉस्ट ऑफ गुड इन सेल। मतलब क्या कि अगर मैं जो पैसा या जो खर्चा मैं अभी करूंगा वो सब उसकी कॉस्ट पे ऐड कर देना। ये करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के टाइम। जब आप कभी मैन्युफैक्चरिंग करने जाएंगे या मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इंपॉर्टेंट देंगे तब आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। तो आप इसको याद रखना कि जब भी आप कोई चीज परचेज करते हो और वहां पर बिल सेंडिंग नहीं क्रिएट करते, बनाते हो नहीं, तो वहां पर इफेक्ट द कॉस्ट ऑफ गुड्स इन परचेज टॉपिक को स्पेशली यस कर देना, ये आपका नॉर्मल है। साथ साथ आप चाहते हो कि पैकिंग अकाउंट का चार्जेस पैकिंग अकाउंट के अंदर जाए तो आप इस जगह आके यहाँ पर एक अकाउंट बताओगे कि जब भी मैं खर्चा सिलेक्ट करूँ तो आप उसको फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्ज पे डाल देना, पैकिंग चार्ज पे डाल देना। जो भी सेल करते वक्त अगर मैं कोई ये खर्चा लूं तो इस खर्चे के लेजर के अंदर क्या रिफ्लेक्ट होना चाहिए? फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्ज। जब मैं परचेज करूं तो उसके ग्रुप में फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्ज ये वाला शो, ये चीजें मैंने फिक्स कर दी। तो
तो आपने एक चीज देखी भी होगी, जब भी आप कोई IGST या CGST अकाउंट मॉडिफाई करेंगे तो आपको देखने को एक चीज मिलेगी, यहाँ पर बिजनेस स्पेसिफाई कर रखा है कि जब भी आपका अकाउंट का यूज करें तो आप इस टैक्स की वैल्यू को अपने IGST के अंदर शो करा देना, देन आप यहां से कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है अमाउंट ऑफ बिल सन्ड्री टू बी फीट एस। अब बिल सन्ड्री को किस तरीके से फीट करना चाहते हैं, एब्सोल्यूट अमाउंट मतलब कोई फिक्स परसेंटेज अमाउंट देना चाहते हैं, या परमानेंट क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी के बिहाफ से, या फिर परसेंटेज। एब्सोल्यूट अमाउंट बिल्कुल आप जैसे एब्सोल्यूट अमाउंट करोगे और उसको सेव करोगे और F9 करके अगेन उस आइटम को डालोगे तो वो आपसे क्या करेगा, और डायरेक्ट पे कहां चला जाएगा, डायरेक्ट इस जगह पे आ जाएगा एब्सोल्यूट अमाउंट में। और अगर आप परमानेंट क्वांटिटी करोगे, परमानेंट क्वांटिटी क्या करती है, परमानेंट क्वांटिटी का मोटिव क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पर एंटर मारोगे जितने भी पीस होगे उसको उसको 50 जो भी आप प्राइस दोगे उससे इंटू कर देगा। सो क्वांटिटी 50 तो कितनी वैल्यू होगी, 5000। एक तो लास्ट होता है परसेंटेज, परसेंटेज आप लोग सभी जानते हैं किस लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। सर हाँ ये अफेक्ट द कॉस्ट, जब हम ये वाले टॉपिक यस करते हैं तो ये बिल की वैल्यू को माइनस करता है प्लस करता है, कौन से टॉपिक को, वैल्यू को ऐड कर दे। सपोज आपने परचेस करते वक्त 2000 रुपए का एक्सपेंस कराया, ट्रेड एंड फोर्डिंग चार्ज लग गया, पैकिंग चार्ज लग गया, या कोई अदर एक्सपेंस लग गया, कोई ऐसा एक्सपेंस लग गया, ठीक है ना, ठीक है ना जी। तो उस जगह ये वैल्यू को ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना, उस जगह आप इसका यूज कर सकते हैं। ओके मैंने इस टॉपिक को ऐड करा, इफेक्ट द कॉस्ट ऑफ गुड इन परचेज। नेक्स्ट अब आते हैं अपने टॉपिक पे, यहाँ पर लिखा है ऑफ। ऑफ का मतलब क्या है, मैंने बोला कि मैं परसेंटेज दूंगा बट परसेंटेज टोटल अमाउंट पे नहीं दूंगा, मैं परसेंटेज टोटल अमाउंट पे नहीं दूंगा, जितना टोटल अमाउंट आएगा उसके 70% पे, कितने पे, 70% पे टोटल दूंगा, कितने पे, उसके 70%, मतलब मैंने इसको सेव कर दिया, सेव हो गया, गलती हुई, मैंने F9 करा एंड देन अदर दोबारा डाला, बिल की वैल्यू 15000 रुपए, मैंने बोला कि इसका 70% निकालो और उसका 10% दूंगा, क्या हो गया इसका, 15000 का 10% होता है 1500 रुपए, 1500 का आपका 10% कितना होगा, आप लोग यहां पर निकाल सकते हैं खुद, सॉरी 1500 15000 का 70% कितना होता है, मैं F10 प्रेस करता हूं एंड 15000 इंटू 17 डिवाइड बाय 100, 10000 इंटू 10% एंड सो दिस वैल्यू, ठीक है। तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ये आपका एक्सपेंस हो गया, ये हमें लोग एक्साइज डिपार्टमेंट एक्साइज समझाएंगे। हाँ दोबारा समझा देता हूँ, क्लियर। अब अदर एक्सपेंस या कोई दूसरा ऐसा चार्ज मुझे करना है परसेंटेज बाद परसेंटेज के हिसाब से देना है, बट कंडीशन ये है कि जो अमाउंट आएगा उसके 70% पे देना है। सपोज अमाउंट आता है 1 लाख रुपए, सबसे पहले आप उसका 70% निकालिए मतलब 70000 रुपए एंड देन उसका 10%, उसका 5%, उसका 2%, दिस डिपेंड ऑन यू, ठीक है, ओके ओके सर। उस जगह आपका इसका यूज कर सकते हैं, तो हम अंदर 70% डालेंगे। हाँ 18% तो 18% डालेंगे, 20% है तो 20% डालेंगे, इस आपकी कंडीशन के ऊपर है आप उसको लग कैसे यूज करते हो। सेकंड टॉपिक होता है आइटम बेस। आइटम बेस क्या, अभी हम जो कैलकुलेशन कर रहे थे वो इस अमाउंट से कैलकुलेशन कर रहा था, आइटम बेस में भी इस अमाउंट से कैलकुलेशन करता है, कोई भी अंतर नहीं है। सेकंड आता है टोटल एमआरपी ऑफ आइटम, एमआरपी से कैलकुलेशन करेगा। सपोज करो आपने यहाँ जो माल बेच रहे हो इसकी वैल्यू 15 रुपए और एमआरपी आपकी 100 रुपए है, एमआरपी आपकी 100 रुपए, देखो मैं नीचे आया हूँ, मैंने इसको एमआरपी वाइज कर दिया, एमआरपी वाइज करा, F2 करा और सेव कर दिया, F9 से उसको हटाया, गलती हुई थी दोबारा डाला और 10% कितना ले रहा है, 0 ले रहा है। क्यों ले रहा है,
क्योंकि इस बिल में जो कैलकुलेशन हो रही है वो किससे हो रही है, 15 से। कमल मुझे बताओगे यहां पर ये वैल्यू क्यों नहीं उठा रहा है? कमल बिकॉज यहाँ पर एमआरपी शो नहीं कर रहा शायद, आई थिंक इसलिए। आई थिंक इसलिए। सुमित आप बताओगे क्यों नहीं शो कर रहा? सर क्योंकि आपने हमने F9 हंड्रेड नहीं किया परसेंट इसमें? सर आई नहीं डाला है। F9 नहीं हाँ, किया आपने इसमें? इसमें मैंने F9 बटन नहीं करा है। एंटर करा और अगेन उस आइटम को डालूंगा और जो भी अमाउंट होगा, अभी भी नहीं आ रहा है। क्या आइटम ली थी हमने? हमने शायद ये ली थी। आ गया, ध्यान दीजिए नीचे शो हो गया। ओके सर। शालू यस सर। समझ में आया कैसे शो हुए? क्योंकि हाँ जी। हमने F9 नहीं करा था, ओके क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई गलती होती है देन हमें क्या बटन प्रेस करना होता है, F9। आप देखो कितने परसेंट शो करता है, 700 रुपए। अरे कैसे शो कर रहा है 700 रुपए? क्या आप में से एक मिनट रुक जाइए, देखें कौन कौन जुड़ा है। अविनाश जी ये बताएंगे 700 रुपये कैसे निकल के आया? ये प्राइस इसलिए निकल के आया कि सबसे पहले इस 100 क्वांटिटी को 100 से इंटू किया गया। क्यों 100 से इंटू क्यों किया गया? क्योंकि इसका एमआरपी प्राइस कितना था, 100 रुपीज था, तो वैल्यू आ गई 10,000 रुपीज। और बीजी में और हमने इस एक्सपेंस के अंदर कंडीशन दी हुई कि जो भी अमाउंट आए उसको 70% का क्या निकालो, 10%। इसलिए यहां पर हमें इस तरीके से शो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो टैक्सेबल अमाउंट, जैसे कोई टैक्स पे देना हो तो उस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। सेकंड हमारा आता है प्रीवियस बिल सेंड्री। पता है जब आप लोग सर्विस डिपार्टमेंट में हम लोग काम करते हैं, सर्विस की लाइन में हम काम करते थे, तो हमें जो सर्विस देनी होती थी ना वो एक्सपेंस के ऊपर देनी होती थी। मैंने बोला ये जो जो ये खर्चा आएगा ना, पैकिंग चार्ज जो आ रहा है, इसके ऊपर मुझे ना वो देनी है, क्या बोलते हैं, सर्विस देनी है, सर्विस चार्ज देना है, जो भी देना है। अब मैं यहाँ जो भी डालूंगा ये इसके ऊपर से वैल्यू कैलकुलेट करेगा। अब इसको इससे मतलब नहीं, क्योंकि हमने इसके बिल सेंड्री में बोल दिया कि आपको जो भी कैलकुलेशन करनी है वो प्रीवियस बिल सेंड्री के अमाउंट से करना है। इसने बीजी ने मुझसे पूछा सर कितनी प्रीवियस, वन प्रीवियस या टू प्रीवियस, जो भी है वो डाल दीजिए एंड देन आप इसका यूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट आता है अदर, या कोई दूसरा अमाउंट यूज करना चाहते हैं तो आप वो यूज कर लीजिए। ये आपके बिल सेंडिंग के बेसिकली सारे कॉन्सेप्ट थे एंड ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप इनका यूज अच्छी तरीके से कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक मिलता है राउंड ऑफ बिल सेंडरी अमाउंट। पता है क्या होता है, कभी कभी बिल सेंडरी पैसों में आ जाती है, जैसे 20 पैसे, 30 पैसे, 40 पैसे। आप चाहते हो ऑटोमेटिक राउंड ऑफ हो जाए तो आप यहाँ पर ऑटोमेटिक कर दीजिए। कितने के नियरेस्ट करना चाहते हैं, 1 रुपीज, 10 रुपीज, 50 रुपीज, 200 रुपीज, जो भी करना डाल दीजिए। अगर इन केस ये वैल्यू किसमें आती है, डेसिमल में आती है। सपोज करो मैं यहाँ आया, मैंने 1496.70 रुपए डाल दिए, मैं नीचे आ गया, मैंने अदर एक्सपेंस लिखा और 10% का, देखो एंटर मारूंगा तो 168 रुपए कर दिया इसने। क्यों कर दिया? क्योंकि मैंने इसको बोला है यहाँ पर कि आपको ना ऑटोमेटिक करना है और कितने के नियरेस्ट कर देना, 1 के नियरेस्ट। तो जो भी वैल्यू डेसिमल में आएगी उसको वो अपर में कन्वर्ट कर देगा ऑटोमेटिक और आपसे कभी नहीं पूछेगा। हम इसके अंदर IGST और CGST के अंदर यही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि अगर आपकी वैल्यू डेसिमल में आ रही है तो आप उसको कन्वर्ट कर दो, किसमें, राउंड ऑफ कर दो। तो आप बिल सेंट्री को भी राउंड ऑफ कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये आपका राउंड ऑफ का क्वेश्चन था, और सॉरी बिल सेंट्री का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है सेल टाइप का। सेल टाइप वही है, जब आप सेल ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो टाइप आपको बने बनाए मिलते हैं।
इसमें कभी कभी बहुत रेयर केस में बनाने पड़ते हैं, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी। ऐसी परचेस टाइप होता है। अब आती है टैक्स कैटेगरी। टैक्स कैटेगरी इंपॉर्टेंट है। टैक्स कैटेगरी क्या होती है? टैक्स कैटेगरी का मतलब ये होता है कि जब बीजी के अंदर आप कोई भी कैटेगरी बनाते हैं या बनी बनाई मिलती है, तो यहाँ पर आपको शो होता है कि आपने यहाँ पर सबसे पहले पूछता है कैटेगरी का नाम, कि कैटेगरी का नेम क्या रखना है। जो भी नेम ऑफ कैटेगरी रखना चाहते हो वो रख दीजिए यहाँ पर, कोई भी नाम, 12%, 18%, 5%, 20%, 30%, 40%, जो भी नाम रखना है वो नाम। ये पूछता है टाइप ऑफ गुड्स कि किस पे लगाना है, गुड्स पे लगाना है या सर्विस पे लगाना है। जिस पे भी लगाना चाहते हो वो सिलेक्ट करें, गुड्स पे तो गुड्स, सर्विस है सर्विस। एंड देन आईजीएसटी 18%, देन कितना 99, 12%, दिस दिस दिस, जो भी आप बता दीजिए। एमआरपी पे कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो एमआरपी पे कर सकते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है चेंज टैक्स रेट ऑन द बेस ऑफ प्राइस। अब जैसे कि मैंने आपको गारमेंट वाला एग्जाम्पल लिया था कि अगर गारमेंट की किसी बिल की वैल्यू 10,000 से नीचे होती तो 5% लगता है, एंड वैल्यू इज ग्रेटर देन 10,000, ओ सॉरी 1,000, देन चार्ज 12%। तो आप यहाँ कंडीशन दे सकते हैं कि अगर नेट अमाउंट ग्रेटर देन हो जाए कितना 1,000, तो टैक्स चार्ज करना 12%, 12%। तो आप इस तरीके से इसको इंटीमेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये टॉपिक का यूज हमने उस दिन बताया था जब आपको रिटर्न का आपका जीएसटी का टॉपिक चल रहा था, उसमें मैंने बोला था कि गवर्नमेंट टैक्स चेंज करती रह रही है, तो आपको बस डेट बता देनी है कि इस दिन से 12% यहाँ लगा, फिर 15 ऑफ अप्रैल को गवर्नमेंट ने इस टैक्स को 18% कर दिया, 20 ऑफ अप्रैल को गवर्नमेंट ने इसका 28% कर दिया, एंड 25 को गवर्नमेंट ने इसका टैक्स 5% कर दिया। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। बीजी जब वर्किंग करेगा तो इन डेट को नोटिस करेगा, जब ये डेट मिल जाए करेंगे उनको, तो वो उसी के हिसाब से टैक्स लगा देगा। ये आपका टैक्स कैटेगरी कहलाती है। किसी को कोई क्वेश्चन? यस सर, बोलो। जिस तरीके से ये अलग अलग टैक्स, इस डेट के बाद ये टैक्स लगेगा, इस डेट के बाद ये टैक्स, इसी तरीके से अगर मैं अमाउंट डालना चाहती हूँ कि इस डेट के बाद से मैंने रेट लिस्ट का अमाउंट चेंज कर दिया है, तो इस डेट के बाद जो भी एंट्री होगी ये अमाउंट लगेगा उसको, देखो उस इसमें एक मॉडल टॉपिक का। मिलेगा आपको कॉन्फ़िगरेशन, इसमें फ्यूचर ऑप्शन, जब आप इन्वेंटरी पे आओगे तो यहाँ पर एक नीचे टॉपिक होता है, इस टॉपिक का नाम होता है आइटम प्राइसिंग मोड इन वाउचर, या फिर एक टॉपिक और होता है जिसके टॉपिक का नाम है डेट वाइज प्राइसिंग, यहाँ पर मिलेगा आपको कहीं। वो लिस्ट वाला टॉपिक आता है ना, और वो डायरेक्ट ही जो आपका क्वेश्चन है वहीं से रिलेटेड होता है। आप डेट आइटम प्राइस फ्रॉम वाउचर, यही टॉपिक आता है, आप यहाँ से बना बता सकते हैं। एक टॉपिक मिलेगा आपको डेट वाइज प्राइसिंग, वो मैं आपको अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। यही एक टॉपिक आता है डेट वाइज प्राइसिंग करके, आप उस टॉपिक का यूज करके ना अपना टाइम पीरियड्स के हिसाब से डेट को फिक्स कर सकते हैं। कि अगर ये देखो अनेबल डेट वाइज आइटम प्राइसिंग, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हम बीजी का बेसिक मोड पे काम कर रहे हैं। अगर बीजी के बेसिक मोड के सिवा अगर मैं किसी और दूसरे मोड पे काम करूँ तो ये इंटीमेशन मुझे नहीं देगा। बीजी का मोड चेंज कर देता हूँ, मल्टी यूजर कर देता हूँ F2, और इंटर में BES पे क्लिक करके सेव करता हूँ। हो गया, ओपन पे गया, यहाँ पर आया, पाथ दिया एंड कंपनी को ओपन किया, पासवर्ड यूजर डाल दिया BZ@1-2-3, कंपनी को लॉगिन करा, फिर कहाँ गया मैं आया यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन फीचर ऑप्शन इन्वेंट्री एंड देन क्लिक करा अनेबल आइटम वाइज प्राइसिंग एंड देन ओके कर दिया, सेफ हो गया। अब अगेन मैं आया कहाँ पर, मास्टर के अंदर, आइटम के अंदर, हेलो, जब मैं इस आइटम को सेव करूंगा तो मेरे पास एक पॉपअप आएगा जिसमें मुझसे पूछेगा कि सर इस डेट को क्या प्राइस था इसका, सेकंड इस डेट को क्या प्राइस है इसका आपका, सर इस डेट को आपको क्या प्राइस है, इस डेट का आपको क्या प्राइस है, जो भी करोगे वो आपको यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक आता है मिसलेनियस मास्टर। मिसलेनियस मास्टर क्या, पहला हमारा क्या आता है स्टेट। ऑलरेडी हम सभी को बताया जब हमें स्टेट कोड चाहिए होते हैं तो हम इस लोकेशन पे जाके स्टेट कोड ले आते हैं, और ये हमें कभी बनाने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं,
ये कॉमन है स्टेट कोड। कंट्री, कोई दूसरी कंट्री बनानी है तो आप यहाँ से कंट्री बना सकते हैं, जो भी आपको बनानी है। एंड देन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिस्काउंट स्ट्रक्चर। मैं डिस्काउंट स्ट्रक्चर इस टॉपिक को स्किप कर रहा हूँ बिकॉज ये पार्ट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन का, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में डिस्काउंट स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये इस टॉपिक का पार्ट है। जब ये टॉपिक आपको कराऊंगा, जब आपको मैं डबल डिस्काउंट, सिंगल डिस्काउंट, जो भी डिस्काउंट होंगे सारे डिस्कस करूंगा। एंड जो टॉपिक आता है वो आता है बल्क अपडेशन। बल्क अपडेशन फिलहाल जब जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था इंडिया में तब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि हम वैट से शिफ्ट हो रहे थे जीएसटी के अंदर, तो हमें अपडेट करना पड़ता था ऑटोमेटिक सारे अकाउंट को अपडेट करना, या किसी चीज को अपडेट करने के लिए हम इस टॉपिक का यूज करते थे। अभी लोग इसका यूज एचएसएन कोड के लिए करते हैं कि जैसे हमको एचएसएन कोड देखने अपने सारी आइटमों के, तो वो यहाँ पर आके एचएसएन कोड देखते हैं अपने आइटमों के, ये आगे क्या टैक्स रेट है, कितने परसेंट, तो फटाफट यहाँ पर देख लेते हैं, जो गलती होती है उसको फिलअप करते हैं, F2 करके सेव कर देते हैं, तो इसलिए इसका यूज हो रहा है। ये आपका बेसिकली आज का क्लास थी, जिस क्लास के अंदर हम लोगों ने अपना मास्टर टॉपिक कंप्लीट करा है, ये हमारे मास्टर टॉपिक से था। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे एक एक करके पूछ सकते हैं। आरिफ कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? सो सेल पे प्राइस फिक्स कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूँ। और किसी को डाउट है आपको, किसी को? आप लोगों ने देखा कि मैंने अभी किस तरीके से इनको ऑनलाइन क्लासेस दी हैं, ये बिल्कुल लाइव क्लासेस होती हैं, इसके अंदर कोई भी रिकॉर्डिंग सेशन नहीं है। अभी देखिए मेरे साथ 7 लोग ऑनलाइन क्लास में जुड़े हुए हैं और ये मुझसे लाइव क्लासेस ले रहे हैं रात के 11 बजे। अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो किसी भी टाइम ऑनलाइन क्लासेस लेने के, तो आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। आप बीजी एक्सेल टैली एसक्यूएल सर्वर या विजुअल बेसिक 6.0 भी सीख सकते हैं।